जिला मुख्यालय पौड़ी के एजेंसी चौक से टैक्सियों का संचालन अन्य जगहों से होने से व्यापारियों के व्यापार पर इसका खासा असर पड़ा है। लंबे समय से व्यापार में मंदी होने के कारण व्यापारियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष पौड़ी कोतवाली सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में व्यापार की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। कई दिनों तक व्यापारी बोहनी तक नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारी चाहते हैं कि टैक्सियों का संचालन पूर्व की तरह एजेंसी के चौक से संचालित किया जाए ताकि सभी तरफ से व्यापारियों का व्यापार चल सके। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों को SSP से मिलकर बात करने की बात की है। पौड़ी से मुकेश पछेत की रिपोर्ट। मांग हमारी जो भाई साहब की हमने पौड़ी व्यापारी बंद हो गया, गाड़ी वाले भी बहुत समय से हम अपनी मांग करते थे या डेमोर से हमारे जो पूर्व के बांध संचालन किया जाए, जो मेरे पूर्व कार्य थे हमारे इन चौक से या गैस बंद से, तभी ये सहमति बनी है हमारे आपस में कि हमारे जो 6 गाड़ियाँ हैं वह इन चौक जो भूतल पार्किंग है अभी तक वहाँ पर देने का विचार बना हुआ है। अध्यक्ष मोदी ने अपनी सहमति दे दी है, इसे वहाँ इस्तेमाल से मिलेंगे, उसके बाद आगे बात चलेगी। देखिए, राज्य बनने के बाद जो है पौड़ी की स्थिति आप जानते हैं, और जो अपर बाजार है वहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय है। वहाँ के व्यापारी लोग मेरे पास अभी आए हैं, व्यापार संगठन इसके नेतृत्व में, कि जो गाड़ियां पहले 2003 में अलग अलग पॉइंट थी, आपको पता होगा, उस समय स्थिति अलग थी, गाड़ियां कम थी, और अब जो है जाम की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो उस समय से मैंने और SSP जो हमारे पुराने थे उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने इनको बस स्टेशन में तमाम पॉइंटों को खत्म करते हुए बस स्टेशन के भूतल पर इनको जगह दी थी। लेकिन अब अपर बाजार की स्थिति को देखते हुए वहाँ के व्यापारी आए हैं, तो एजेंसी चौक पे तो हम गाड़ियां नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ जाम लगने की स्थिति होती है। लेकिन जो हमारी नगर पालिका की बिल्डिंग है उसके नीचे जो हमारी पार्किंग है, तो 6 स्थान जो अलग अलग जगह से गाड़ियां चलती हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि मैं मुझे यहाँ चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें SSP महोदय की इजाजत लेनी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद SSP महोदय के पास जाएंगे और उनके निर्देश के बाद इस पर फैसला लिया जाए।